What's up guys, प्रतीक राय और आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं इसकी। ये क्या है अगर आप जानना चाह रहे हैं तो मैं बता दूं कि ये है बोया का माइक जो अभी अभी मैंने मंगाया है और रोड का माइक जिससे पहले ही मैं शूट कर चुका हूं कुछ वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसकी साउंड क्वालिटी जानेंगे और उसके बाद मैं आपको वो वीडियो का लिंक दूंगा जो रोड के माइक से शूट हुआ है। उसके बाद दोनों की वॉइस क्वालिटी आप कंपेयर कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे अनबॉक्सिंग करते हैं और इसे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की पैकिंग में मिला ये, और इससे भी इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो ये अब आ चुका है बाहर बॉक्स, यानी कि सिर्फ बॉक्स आया, माइक अभी नहीं आया। ये बिल दिया गया साथ में और ये ओपन करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ ये कितने का मुझे पड़ा है। तो ये पड़ा है 1550 का, और सबसे पहले मैंने इसे डेली मार्केट में देखा था चांदनी चौक में, और उस समय ये 1800 का मुझे मिल रहा था। तो मैंने नहीं लिया क्योंकि उस समय मैं DSLR से नहीं मोबाइल से शूट करता था। और अभी हम इसे ओपन करके देखेंगे और इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है उसके बाद हम जानेंगे। तो जल्दी से कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। इसके साथ इसके बाद मुझे इसमें एक केबल दिखाई दी सबसे पहले तो, और ये DSLR में अटैच करने के लिए है, और साथ ही में ये माउंट है DSLR के लिए, और साथ ही साथ आपको ये एक और केबल मिल जाती है मोबाइल वगैरह में कनेक्ट अगर आप करके चलाना चाहते हैं तो। और मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये माइक डायरेक्टली आपके मोबाइल से तो कनेक्ट नहीं होगा, हर मोबाइल से नहीं होगा। एक आपको इस तरह का माइक भी मिलता है रोड का जो आईफोन यूज़ करते हैं उनके लिए, और कुछ ही मोबाइल में ये डायरेक्टली कनेक्ट हो पाता है। नहीं तो अगर आप इसे परचेज़ ही करना चाह रहे हैं तो आप कई ऐप आते हैं उसके थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये माइक काम करेगा। और इस तरह का एक पाउच मिलता है आपको इसे रखने के लिए। ये पाउच मेरे ख्याल से रोड के माइक में नहीं मिलता है, तो ये एक प्लस पॉइंट इसमें हो जाता है पहले ही। तो ये दो केबल जो इसके साथ मिल रही है उसमें भी आपको जो रोड का माइक है इसमें सिर्फ सिंगल केबल मिलती है इस तरह की। तो अब इसे अटैच करके और फिर DSLR पे अटैच करके देखते हैं इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, क्योंकि मेन मकसद तो वही है, वहीं पे हमें इसे पॉइंट देना है कि कौन सा कितना बेहतर है। डेड कैट केरा माइक केरा आप देख रहे हैं अपने सामने। तो अभी जितनी भी वॉइस आप सुन रहे थे मेरी वो विदाउट माइक थी, यानी कि कोई भी माइक इस पे नहीं लगा था, ना रोड का ना ये बोया का। अब मैं कनेक्ट करके देखता हूँ और क्या वॉइस क्वालिटी मिलेगी आपको, आप जान जाएंगे। तो बोया का जो ये माइक है ऊपर कनेक्ट हो चुका है और अब आप सुन रहे हैं इस माइक के थ्रू वॉइस। तो अभी आपको वॉइस कैसी आ रही है वो तो आप ही जान सकते हैं, मुझे अभी कुछ नहीं पता। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या कुछ अंतर लग रहा है वॉइस में, पहले अच्छी आ रही थी या अब अच्छी आ रही है। पर अभी मैनुअल में सेट है और मैनुअल में ही ज़्यादा बेहतर आवाज़ आनी चाहिए, पर मैं फिर भी एक बार ऑटो पे अपने DSLR को कनेक्ट करके फिर देखता हूँ। तो अब मैंने जो कैमरे की सेटिंग है वो ऑटो पे कर दी है, यानी कि जो वॉइस सेटिंग है वो ऑटो पे कर दी है। अब कैसी आवाज़ आ रही है आप बताइएगा। वैसे तो ऑटो पे ज़्यादातर होता है कि आसपास की नॉइज़ जो है DSLR ज़्यादा खींचता है, तो अभी आपको पता चल रहा होगा थोड़ा वॉइस ज़रूर लाउड हुई होगी पर आसपास की नॉइज़ भी इसमें ज़्यादा आती है। इसीलिए आप अगर DSLR पे इसे कनेक्ट करते हैं तो अपना जो सेटिंग है माइक का वो मैनुअल पे रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बताइए कैसी लगी इसकी वॉइस क्वालिटी, आपको पसंद आई कि नहीं। और ऑलरेडी जो मैंने वीडियो बना रखा है रोड माइक के साथ उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, साफ साफ कंपैरिजन आपको मिल जाएगा। और ये काफ़ी बजट फ्रेंडली है, काफ़ी अंडर बजट है, और वो आपको 5000 तक का मिलता है, ये 1500 का मिलता है, तो काफ़ी प्राइस डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को पसंद आने पर ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे और मज़े करेंगे। सी यू अगेन।